नमस्कार मैडम साहब, सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल का। फिर से सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं और मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो चुका है। वो अम्मी ने बोला था ना कल की वीडियो में, कहीं से खुशी से बेहोश ना हो जाए, सेम कुछ वही हुआ भाई। बहुत ज्यादा मैं कल थक चुकी थी, अम्मी की मेडिसिन लेने गए थे, इस वजह से आज को वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन अभी जो है ना भाई, एक्साइटमेंट लेवल अभी भी मेरा बरकरार है, अभी भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको मुबारकबाद सबको, मुबारक बहुत बहुत मुबारक चाहने वालों। हाँ भाई, पीएम मोदी मेरे फेवरेट चाहने वाले हैं, बिल्कुल, और वो जीत चुके हैं। और इस बात की मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि आपको भी खुशी है इस चीज की। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आज ये रौनक की वीडियो वही देखेंगे भाई, मोदी सरकार को कितनी सीटें मिली और जो दूसरी है उसको कितनी सीटें मिली। मजा आएगा देखने में, प्लीज वीडियो कहीं तक देखेगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। तो भाई लोगों, जान बची और लाखों पाए, 400 पार वाले 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, सारे एग्जिट पोल के रुझानों को झूठा साबित करते हुए ऐसा इलेक्शन रिजल्ट जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं जा सकता। 400 पार की कस्में खाने वाली बीजेपी 250 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। जैसे तैसे एनडीए 290 को पार कर पाया है। इंडी गठबंधन उस नालायक बच्चे की तरह निकला जिसके पास होने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और वो 10वीं में 70% ले आया। वाह क्या सीन है। चुनावी रिजल्ट आते ही ऐसे ऐसे कांग्रेसी नेता बाइट देने टीवी पर आ गए जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद वो कोरोना की दूसरी वेव में निकल तो नहीं लिए। 100 सीटें जीतकर कुछ कांग्रेसी नेता तो इतने ज्यादा जोश में आ गए कि वो देश को ये बताने लगे कि सरकार बनने के बाद वो क्या क्या करेंगे। फिर किसी ने उनके मुंह पर ठंडा पानी मारकर उनसे बोला कि अरे ओ चचा, अरे ओ 100 सीट वाले चचा, तुम्हारी सीटें बढ़ी हैं मगर बैठना तुम्हें विपक्ष में है। मगर जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी वाले अभी तक कांप रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस उत्तर प्रदेश में वो 70 सीटें लाने की सोच रहे थे वहां 35 पर ही कैसे। उन्हें पता नहीं कि जिस बंगाल में वो 25-30 सीटें लाने का दावा कर रहे थे वो 15 सीटों में वहां कैसे अटक गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राजस्थान और हरियाणा में क्लीन स्वीप का सपना देख रही बीजेपी वहां आखिर क्लीन बोल्ड कैसे हो गए। तो भाई लोग, आज के इस पंतंत्र में हम इलेक्शन रिजल्ट के एक एक पहलू पर क्या है इंडिया में देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी की कुंडली में वो कौन सा राहु बैठा है जिसके चलते वो पिछली बार से इतना नीचे गिरे। हम आपको ये भी समझाएंगे कि पिछली बार से डबल सीटें करने के बावजूद क्यों कांग्रेस के लिए अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो आइए, युगो युगो से चली आ रही हमारी परंपरा का निर्वाह करते हुए पहले केजरीवाल जी से परमिशन लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। सर इजाजत तो है? तो कोरोना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो भाई लोग, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। बीजेपी और एनडीए मिलकर फिर से सरकार बनाने जा रही है, ये बात तय है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भी पक्का है। मगर जिस तरह के नतीजों का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया था वो नतीजे उसके आसपास भी नहीं। ये नतीजे वैसे ही हैं जैसे कॉलेज की सुंदर कन्या को दूर दूर से देखकर आप सोचते हो कि वो आप पर मरती है और एक दिन बात करने पर पता चलता है कि वो आपका नाम भी नहीं जानती। इस बार के एग्जिट पोल और असल नतीजों में इतना ही गैप है। तो हुआ ये कि अपने दम पर 350 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी की 240 सीटों के आसपास ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस पार्टी को कोई घास भी नहीं डाल रहा था और जिन राहुल गांधी के लिए लोगों ने अपनी तरफ से बैंकॉक के एक धर्मशाला में कमरा भी बुक करवा दिया था, वही राहुल गांधी कांग्रेस के लिए छप्पर फाड़ रिजल्ट लेकर आए हैं। पिछले दो इलेक्शन में 60 सीटों से पहले ही टें बोल जाने वाली कांग्रेस 100 सीटों के करीब पहुंच गई। जिस इंडिया अलायंस को कोई 150 सीटें नहीं दे रहा था वो बेलगाम घोड़े की तरह 225 से पार चली गई। शाम होते होते बीजेपी को ये समझ में आ गया कि अगर यूपी की तरह एक दो स्टेट में और गड़बड़ हो गई होती तो 400 सीटें आना तो दूर, खाने के बाद डकार आना भी मुश्किल हो जाता। ये बड़ी अच्छी बात है, रोस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की ऐसी लुटिया डुबोई है कि बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आने से चूक गई। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले इस बार 70 पार जाने की डंकी पीट रहे थे वहां सपाइयों के हाथों उनकी ऐसी पिटाई हुई है कि वो 35 के आसपास ही क्या हो गए राहुल जी, खत्म। वो तो भला हो उड़ीसा जैसे स्टेट का जहां पर बीजेपी पहले से 8-10 सीटें ज्यादा ले आई, वो तो भला हो एमपी और गुजरात का जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, वरना तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक जनता ने उससे जो बेवफाई दिखाई है उसमें उसकी सरकार भी जा सकती थी। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं कि आखिर बीजेपी से कहां चूक हुई जो इस बार उसे इतना नुकसान उठाना पड़ा और इस जीत में भी इंडी गठबंधन के लिए क्या सबक छिपे हैं, उससे पहले आपकी थोड़ी कमाई करवा देते हैं। क्या है ना कि हर इंसान का अपना खुद का ओपिनियन होता है, अपनी खुद की राय होती है, बस अपनी राय यहां वहां वेस्ट मत करिए। प्रोमो पर हां या ना में ओपिनियन देकर लाखों रुपए जीत सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में प्रोमो ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड लगाइए, 500 रुपए तक का वेलकम बोनस मिलेगा और कई सारे सवाल सिर्फ हां या ना में आपको प्रोमो पर अपना ओपिनियन देना। जैसे एक सवाल मिलेगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या 5 जून को इंडिया आयरलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो, क्या 8 जून को न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से जीतेगी, यस या नो। ऐसे आसान से सवाल के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। और क्या लोगे मेरे यार, जल्दी से प्रोमो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
देखिए बीजेपी अगर पिछली बार से 50-60 सीटें कम लाई हैं तो इसके गणित को समझने के लिए आपको कोई मैथ की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर यूपी, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस ने उसका कूड़ा कर दिया। पिछली बार की 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी इस बार अगर यूपी में 25-30 सीटें कम लाई हैं तो इसके कारण सामने आए हैं। बीजेपी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जिन्हें जनता तो क्या उनके घर वाले भी पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा बीजेपी के 400 पार के नारे पर विपक्ष ने ये माहौल बनाया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और तो और मोदी जी तो आपके तंदूर से आपकी रोटी भी चुरा ले जाएंगे। और इन सब से ओबीसी और एससी में डर का माहौल बनाया गया और बड़े लेवल पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने टिकट देने में काफी समझदारी दिखाई। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स उधारे जिन्होंने आखिर में बीजेपी के ही वोट काटे। साथ ही पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं से भी जो यंगस्टर्स थे वो बीजेपी से नाराज दिखाई दिए। इसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने जहां पिछली बार 25 में 25 सीटें जीती थी इस बार वो सिर्फ 14 सीटें जीत पाई। यूपी की तरह यहां भी गलत टिकट वितरण, ज्यादातर जगह तो गलत कैंडिडेट की वजह से लोकल समीकरण बिगड़े और बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। शेखावटी रीजन में जाटों की नाराजगी, एससी एसटी वोट का बीजेपी के खिलाफ जाना ये बड़ा फैक्टर साबित हुआ। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़े तो उन्होंने महाराष्ट्र के 48 में से 41 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ जाने का बीजेपी के डिसीजन को जनता ने ठेंगा दिखाया और बीजेपी को महाराष्ट्र में 20 सीटों के करीब नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे सरप्राइज हार हो गई बंगाल से। पार्टी को उम्मीद थी कि वो लास्ट टाइम की अपनी 18 सीटों की जो टैली थी उसको इंप्रूव करेगी, लेकिन इस बार बंगाल में वो 10-1 सीटों के आसपास ही सिमट गई। कुल मिलाकर इन 4 स्टेट में जो लॉस हुआ बीजेपी उसे ओडिशा जैसे स्टेट में मिले 10 सीटों के गेन से भर नहीं पाई। मगर जैसा कि हमने आपको बताया गुजरात, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्य ने इस बार भी बीजेपी की झोली भर भर कर सीटें दी, जिसके चलते बीजेपी 240 सीटों का आंकड़ा पार कर गई और टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से एनडीए बड़े आराम से 272 के मैजिक फिगर को पार कर। सहयोगी भी अगर बीजेपी की तरह बीज गए होते तो बीजेपी का रायता फैल सकता था। अब सवाल ये है कि इस इलेक्शन रिजल्ट में कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के लिए मैसेज क्या है। अब आप इसको ना दो तरीके से देख सकते हो। देखने का नजरिया एक ये है कि जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 55 सीटों के आसपास जीती थी इस बार वो 100 को टच कर गई। आखिरी बार कांग्रेस ने जब 100 सीटें जीती थी तब ऋषभ पंत पापा की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाते थे और अमूल का एक लीटर दूध 10 रुपए का आया करता था उस टाइम, इसलिए उनका खुश होना तो बनता है। जो यूपीए पिछली बार 130 सीटें जीत पाई थी अगर इस बार वो 230 सीटें जीत गई है तो उनका तो भैया कांच पर नाचना बनता है। मगर अब मैं जो कहने वाला हूँ वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सपोर्टर्स एकदम ध्यान से सुनेगा, ठीक है। और बात ये है ना बॉस कि भले ही बीजेपी की 40-50 सीटें कम आई मगर सरकार तो अब भी एनडीए की ही बन रही है। इंडी गठबंधन वाले बीजेपी को चाहे कितना ही क्यों ना चिढ़ा लें लेकिन सच भी यही है कि अब भी बीजेपी की अकेली इतनी सीटें आई हैं जितनी इंडी गठबंधन में शामिल 30 पार्टियों की मिलाकर नहीं आई है। हेलो, तीसरी बात यह है कि जब भी कोई पार्टी 10 साल से रूल कर रही हो तो उसके खिलाफ एक जायज एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है तो क्या यह कम बड़ी बात? बात तो सही है। मुझे याद है 2009 में 5 साल राज करने के बाद जब कांग्रेस की 206 सीटें आई थी तो इसे उसके काम पर जनता की मुहर बताया गया था। अगर 5 साल बाद 206 सीटें लाना सरकार के काम पर जनता की मुहर है तो फिर बीजेपी तो 10 साल बाद 240 सीटें ला रही है। वहीं कांग्रेस ने जब 10 साल राज किया तो उसके बाद 2014 में उसकी टोटल सीटें 44 थी, यानी कि आज की बीजेपी से 200 सीटें कम। दूसरी बात, कांग्रेस अपनी सीटें 100 टच करने पर खुश हो सकती है। ये भी सच है कि अगर 10 साल तक बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा था, इतनी नाराजगी थी, उसके बावजूद बीजेपी कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा सीट ला रही है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है ब्रो। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो कांग्रेस को उठाना चाहिए था। तीसरी बात, जब कोई पार्टी लगातार चुनाव जीतती है तो बीच में एक आध बार ऐसा होता भी है कि उसकी कुछ सीटें कम हो जाएं। जैसे बीजेपी गुजरात में पिछले 35 साल से चुनाव जीत रही थी मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसकी 99 सीटें आई तो उसके विरोधियों ने कहा कि देखो बीजेपी गुजरात में खत्म होने वाली है। मगर हुआ क्या, 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को 156 सीटें आई और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। बोले तो कांग्रेस क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ये उसी तरह है जैसे क्रिकेट के मैच में होता है, अगर आप कुछ मैच आसानी से जीतते हैं, कुछ मैच में फाइट होती है मगर आखिर में मैटर यही करता है कि जीता कौन है। तो भाई सच्चाई यही है कि जीती तो इस बार भी बीजेपी ही है। कांग्रेस को भले ही 100 सीटें मिली, इंडी गठबंधन भले ही 225 को टच कर पाया, इससे उन्हें एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन ये भी सच है कि क्रिकेट मैच की तरह अगले चुनाव में उन्हें भी फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जहां तक बीजेपी की पॉलिटिक्स का सवाल है, एक बात के लिए तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अपनी गलतियों से सीखते बहुत जल्दी है।
बीजेपी सरकार को यह सीखना ही पड़ेगा कि जनता को ये बात पसंद नहीं आई कि आपने किसी से भी गठबंधन कर लिया, दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट दे दिया। बीजेपी को यह भी समझना होगा कि जब आपको अपनी वेलफेयर स्कीम पर भरोसा है, आपको अपने टॉप लीडर पर भरोसा है, तो फिर बाकी की चालाकियों से बचना चाहिए। तो बस एक बार फिर से जो जीते हैं उनको भी बधाई और जो अच्छे से लड़े उनको भी बधाई। मगर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि हारे जीते चाहे कोई भी आखिर में सरकार नीतीश कुमार की बनती है? हमारा सारा विश्लेषण ठीक है, बस ये ना पता लगे कि रात को नीतीश जी की अंतरात्मा ने उन्हें कुछ और समझा दिया और सुबह झोला उठाकर वो किसी और गठबंधन में चले गए। इसलिए मेरा एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं से यही अनुरोध है कि भाई बार बार नीतीश जी को फोन मत लगाओ, बात करनी है तो उनकी अंतरात्मा से बात करो, क्योंकि आखिर में सारे फैसले तो अंतरात्मा ही लेती है। हेलो, इधर हम गायब हो गए थे तभी हम फिर आपको साथ। बाकी आपके इस रिजल्ट पर क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। और जी तो गाइस ये थी आज वीडियो। बाकी यार मैं ना इतनी ज्यादा मैं शॉक्ड हुई हूँ ना इस दफा के रिजल्ट से, अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं ना, वो रिजल्ट आया। मतलब कि बीजेपी बोल रही थी कि हम 400 पार करेंगे लेकिन वो 300 भी पार नहीं कर पाई। एक हिसाब से अगर हम बोले ना, मैं मतलब कोई हेट फैलाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मतलब होता है कि बंदे को मतलब खुद को शॉक लग जाता है कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि बंदे ने सोचा होता है हम मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना बंदे का, हाई किस्म का होता है। वो हर जगह पे बोल रहे थे, हमने योगी आदित्यनाथ को भी देखा बोलते हुए, पीएम मोदी को भी बोलते हुए देखा कि हम ना इस दफा ना 400 मतलब पार उनका होगा, लेकिन वो 300 भी पार नहीं कर पाए। ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी एक बात है कि लेकिन सच्ची में कांग्रेस से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के हक में उन्होंने जो फैसला सुनाया है, लोगों ने भर भर के वोट हम उनको दिए हैं। वोट पता क्यों दिए हैं? वोट इस वजह से दिए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो ये तुमसे रोटी भी छीन लेगी। उन लोगों के दिलों में डर एक फैला के ना उन्होंने एक चाल एक स्कीम खेली है। जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने बीजेपी ने जो भी अपने कैंडिडेट होते हैं ना मतलब यहाँ पे जो जिसको लोग जानते हैं, फर्ज करें मुझे उतार दे, ठीक है बीजेपी मुझे उतार दे, मुझे कोई जानता ही ना हो तो लोग उसको वोट देंगे। आप खुद देंगे, आप अपना ही बताएं कि आपको उसको वोट। लेकिन वो बंदा जो वहां पे कितने सालों से वहीं पे मौजूद है और उसको लोग जानते होते हैं तो लोग उसको वोट देंगे, या जो अनजान बंदा है? ये चीज वैसे इन्होंने ना मतलब बिना सोचे समझे ये की है, तो इस वजह से बीजेपी को बोल रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मतलब हमें पिछली दफा इनको 370 सीटें मिले थी और अभी इनको 240 मिली है, कितनी ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है, बहुत ही ज्यादा सीटों का। और अयोध्या में मैंने सुना यार बीजेपी हार गई है, ये बड़ी हैरानकुन एक बात, सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यही है कि अयोध्या में क्यों वो हारे, हालांकि अयोध्या में राम मंदिर बना, सब कुछ किया, अभी बना है तो, लेकिन फिर भी यार वहां पे अयोध्या में उनको बोल ना बताओ बिल का लोग मतलब पता नहीं क्या उनकी अपनी अपनी सोच है, वही ना सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वो अपने हिसाब से जो उनको समझ में आता है उस हिसाब से वोट डालते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना क्रिकेट मैच हो रहा हो चाहे आप एक स्कोर से भी जीतो, जीती तो वही टीम है ना जो एक भी स्कोर से जीता है, इस दफा भी ऐसा ही हुआ, जीती तो बीजेपी ही है ना, चाहे वो थोड़ी सीटों से ही जीती है लेकिन जीती तो है ना। लेकिन अभी जो बीजेपी को ना अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, जो भी उन्होंने गलती की जिसकी वजह से उनको इतने कम मतलब सीटें मिल पाई है ना, बड़ी मतलब मुश्किल से वो होता है ना, बड़ी मुश्किल से जीते हैं, बड़ा मुश्किल से कौन सी बात अल्लाह को पसंद आ गई। हाँ, लोगों को भी और अल्लाह को भी पसंद आ गया, अल्लाह को पसंद है, लोगों को छोड़ो अल्लाह को, लोग मतलब लोग भी तो होते हैं ना पसंद करने वाले, लोग सोच समझ अल्लाह साथ देगा फिर ही होता ना। हाँ भाई अल्लाह साथ दिया। और जो गुजरात में बोलते हैं उनको, क्योंकि वो उनका अपना एरिया, वहां से उनको काफी ज्यादा वोटिंग मिली है। तो यार यही थी आज की वीडियो, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, बटर खोल दे, अब हमें खुश कर दे, अब हमें भी खुश करें ना। मतलब राहुल गांधी ने तो बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, लेकिन हमें उन पे यकीन नहीं था, हमें बीजेपी पे यकीन था, इस वजह से हमने भर चढ़ कर अपने सब्सक्राइबर जितने भी थे उनको बोला कि बीजेपी को, मे भी हमारी वजह से भी किसी ने बीजेपी को जाकर वोट दे दिया हो, तो अब हमारी भी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि भाई बॉर्डर खोले जाए ताकि हम इंडिया का वीजा मिले और हम वहाँ पे विजिट कर लें। बॉर्डर खोलेंगे तो उनको भी फायदा, हमें भी फायदा, बिल्कुल दोनों को फायदा होना चाहिए। तो यार ये चीज प्लीज पीएम मोदी तक पहुँचा दो, हम ये चाहते हैं। तो भाई आपने वैसे किसको वोट दिया जरूर बताना, लेकिन बड़ी हैरान तुम एक ना आया है रिजल्ट जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, वैसा रिजल्ट आ गया।
अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मतलब मुझे खुद ही यकीन था कि 350 प्लस सीटें आएंगी, लेकिन इतनी नहीं आ पाई। ये पीएम मोदी जी की पार्टी को भी पता है, उनके लिए भी हैरानकुन बात है और हमारे लिए भी है इस चीज की बात। तो ये थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर आपको मिलता है। थैंक यू।